बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर द्वारा मुंबई के कांदिवली पूर्व में जनसंपर्क कार्यक्रम पर बेजुबान जानवरों के लिए एम्बुलेंस का उद्घाटन श्रीफल तोड़कर किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और जानवरों के लिए कार्य कर रहे संस्था के मेंबर उपस्थित रहे। कांचन ग्लोबल फाउंडेशन, ये जो कुत्ते बिल्ली जो जानवरों के रिहैब के सेक्शन में काम करती है, ऐसे संस्था के लिए आज गंधार कंपनी के जो मालिक है पारेख जी, उन्होंने एक एम्बुलेंस उनको उस संस्था को डोनेट की। वो डोनेशन का कार्यक्रम आज मेरे हाथ से उधर हुआ। साथ में वाड़ा में ये ग्लोबल इनका एक बड़ा सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ वो अपच इस प्रकार की कुत्ते बिल्ली इनको रखते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आषाढ़ी एकादशी का एक पवित्र दिन है, ऐसे पवित्र दिन पर जानवरों के लिए भी एक अच्छा कदम उठाने का काम हुआ है, और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को और पारेख जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अतुल जी, जब भी इस तरह के कोई भी काम के लिए आपके पास तो आते हैं, तो किस तरह से आप इस पर पहल करते हुए आगे इस काम को बढ़ाते, क्योंकि आपके प्रयास से ही संभव हो पाया है? नहीं, ये बात सही है, लेकिन हम तो एक योजक करके काम करते हैं। पारेख जी जैसे दाता समाज में है और अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं के बीच में का एक दुआ बनकर अच्छे लोगों को अच्छे संस्था तक पहुंचाना, यही मेरे जैसे जनप्रतिनिधि का काम होता है, और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके अच्छी तरह से काम हो जाता है। तो आप जब कभी कोई उद्घाटन करते हैं तो आगे भी किस तरह आप उस पर नज़र बनाए रखते हैं कि वो कार्य लो जिसके लिए उद्घाटन हुआ है वो आगे भी लोगों की सेवा के लिए आगे चल रहा है? नहीं देखो, ये ऐसी इस प्रकार की संस्था बढ़नी चाहिए, और मेरा अनुभव ये है कि यदि अच्छा काम करते होंगे तो अच्छे लोग सामने से आगे आते हैं अपने को मदद करने के लिए, जैसे पारेख जी जैसे लोग हैं, और इसके लिए अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छे लोग आगे आते हैं और संस्था चलती रहती है। आपको तो पता ही है कि स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हम चलाते हैं, कई लोगों को विधानसभा में लगभग 200 फैमिलीज है जिनको हर महीने का अनाज हम मुफ्त में देते हैं। यहीं से बगल में 100 मीटर पर रोटी बैंक हमने एक बरस पहले चालू की है, रोज के 200-250 लोग मुफ्त में उधर जो आवश्यक लोग हैं उनको खाना देने का काम हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि योजक करके यदि काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो लोग आके अपने को मदद करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और ये खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने नॉर्थ मुंबई साइड में बहुत प्रॉब्लम्स है एक एनजीओ को एम्बुलेंस मिलने के लिए या जानवरों को मदद होने के लिए, बट अतुल सर की वजह से एनजीओ अपने पारेख सर है उनकी वजह से उनकी कर्टसी की वजह से हमको ये एम्बुलेंस डोनेट हुई है, एंड हम बहुत खुश हैं, स्पेशली उन जानवरों के लिए जिनको मदद मिलना मुश्किल था टाइम पे मेडिकली। सो उनको अभी हम कोशिश करेंगे एम्बुलेंस के माध्यम से कि टाइम पे उनको मेडिकल सेवा उपलब्ध हो। अतुल सर के पास आने के बाद उनका किस तरह से सहयोग तेजी के साथ आपको मिला? सबसे अच्छी बात ये रही, क्योंकि हम प्राइवेट एनजीओ है, एंड एनजीओ वालों का एक्चुअली यही होता है कि इनके पास ऑलरेडी बहुत है, वो बहुत गलत धारणाएं हैं लोगों की, हमको भी बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी बात यह रही कि अतुल सर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है इस मामले को लेके, एक जीव दया जो होती है, और उनकी भी जान है, वो बेजुबान जानवर है, उनकी ज़ुबान हम जैसे रिस्पॉन्सिबल नागरिक को बनने की बहुत ज़रूरत है। सो अतुल सर और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से हमको बहुत सपोर्ट हुआ, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। आप जिस तरह से लगातार पूरे दिन एनिमल्स के लिए ग्राउंड पर रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के कार्य एनिमल्स के लिए होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और एज अ नेता विधायक अतुल सर भी इसमें जिस तरह से आपके साथ खड़े, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा कि ये एम्बुलेंस जो हमको दी गई आज, ये इसकी इतनी ज़रूरत है आज के डेट पे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जानवर मरता रहता है लेकिन कोई एम्बुलेंस आती नहीं है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि एक रात ऐसी थी बहुत भारी बारिश में, मैं एम्बुलेंस का रात को 10 बजे से वेट करते करते वो मॉर्निंग में 7 बजे आई एम्बुलेंस, तो पूरी रात वो बच्चा मेरे गोद में था और मैं वहीं खड़ी थी। तो जब ये ऐसे एम्बुलेंस मिलती है और अतुल सर ने जो एम्बुलेंस दिया है तो ये बहुत अच्छा काम है, और उनका मैं बहुत आभार मानना चाहूँगी कि उन्होंने एम्बुलेंस डोनेट किया एनिमल्स के लिए। आपका क्या कहना है, आज एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है और आप जिस तरह से
जीव दया में भी साथ काम करती है, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कांचन मैडम और अनुराधा मैडम ने बोला कि एम्बुलेंस की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और आजकल इतने क्रुएल्टी केसेस है, एक्सीडेंट केसेस है, उनको तुरंत मदद मिलती नहीं है, और हर फीडर जो है और हम लोग जो काम करते हैं, हमारे पास भी मैन पावर इतना रहता नहीं है कि तुरंत उसको लेके जाए कहीं, और हमारे डॉक्टर्स को भी हमको उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमको बहुत दिक्कत आती है। तो अगर कुछ ऐसा एम्बुलेंस सर्विस रहेगा गली गली में, जहाँ पे हम लोग तुरंत उसको, कैसे इंसानों को मदद मिलते वैसे जानवरों को मदद मिल सके, तो हम लोग उनकी बहुत मदद कर सकते, क्योंकि आजकल बहुत क्रुएल्टी केसेस है, बहुत जानवर मर रहे, और ऐसा कुछ अगर हमारे नेता करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी मदद है इन जानवरों के लिए।